जाएगा, बल्कि इससे मास्क के जरिए आपकी स्किन चमकदार और खूबसूरत हो जाएगी। ड्राई जेल को नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनाने के लिए ये फेस मास्क बहुत ही आजमीदा है। इससे पहले कि मैं आपको आज के ड्राई स्किन मास्क के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, पीछे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सके। और ड्राई फेस स्किन मास्क में जो अज्जा शामिल है उनमें बादाम 4 अदद, जैतून का तेल आधी चाय की चमची, हल्के गुलाब 1 खाने का चम्मच, शहद 1 चाय का चम्मच और नींबू का रस 4 टक्के। ड्राई स्किन मास्क बनाने का तरीका ये है कि एक प्याली में इन सब चीजों को डालकर आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इस मिक्सचर को आप अपने चेहरे पर ब्रश की मदद से लगा लें। 10 मिनट तक लगा रहने दें, इसके बाद आप अपना चेहरा बेसन से धो लें। शहद एक कुदरती एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, इसलिए ये चेहरे को एक्ने से बचाकर साफ रखता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को ग्लो देता है। इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर और सूथिंग क्वालिटीज मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से रंगत निखारने में बहुत मददगार साबित होता है। जैतून का तेल विटामिन ई और ए से भरपूर है, इसके अलावा इसमें फैटी एसिड्स भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि स्किन को नरम मुलायम रखते हैं। ये कुदरती मॉइस्चराइजर भी है जो चिल्ड की खूबसूरती में इजाफा करता है। चिल्ड के जितने भी मसाइल हों, अर्के गुलाब उनके लिए बेस्ट है। ये चिल्ड की खूबसूरती को बरकरार रखने में मदद फराहम करता है, ये एक नेचुरल क्लींजर भी है। लेमन में सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और मुख्तलिफ किस्म के विटामिन बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इसके रस, चिल्ड के बीज, हर चीज में बेपनाह गिजाइत मौजूद है। इसमें कुदरती ब्लीचिंग इफेक्ट मौजूद होता है, जो हमारे जेल की रंगत निखारने में मदद करता है। बादाम एक खुश्क बीज वाला फल है, जो कि हमारे जिस्म से गर्मी और खुश्की को खत्म करता है। जबरदस्त किस्म का एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो कि स्किन को तरोताजा, नम और खूबसूरत बनाने में बहुत फायदेमंद है। रोजाना लगाएं, सिर्फ 3 दिन में चेहरा रुई की तरह मुलायम हो जाएगा। इस अमेजिंग टोटके की बदौलत चेहरे की खुश्की ना सिर्फ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, साथ ही चेहरा बहुत नरम, मुलायम और फूल की तरह निखरा निखरा हो जाएगा। जरूर ट्राई करके देखें। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती